यस फाइनली सर्वाइवल सीरीज। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वन के बाद सर्वाइवल सीरीज आएगी, लेकिन बट मेरे को पता है कि सर्वाइवल सीरीज वन मंथ लेट है, लेकिन वो आ चुकी है। तो मैं आपको एक बार पहले ही बता दूँ कि ये सर्वाइवल सीरीज हार्ड मोड में है, इसे आप हार्ड कोर मत समझ लेना। तो चलो फिर सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइनक्राफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, जो कि है लकड़ियाँ काटना, जो कि मेरे को इतना बुरा लगता है ना, और बट स्टोन काटना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है स्टोन तोड़ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं लकड़ियाँ काटने से। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं इस वाले पेड़ को काट लेता हूँ। तो जल्दी से मैं इस पेड़ को काटना शुरू करता हूँ। इस वाले पेड़ को काट लिया है, इससे मैं अपने एक लिए एक स्टोन की पिकैक्स बनाऊंगा, स्टोन नहीं सॉरी वुड की पिकैक्स बनाऊंगा। तो जिससे मैं अपने स्टोन तोड़ लूंगा, क्योंकि मैं पूरे स्टोन वो वुड के टूल्स नहीं बनाऊंगा, मैं पूरे वुड के टूल्स इसीलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैं सीधा एक पिकैक्स बनाऊंगा फिर स्टोन माइन करके पूरे स्टोन के टूल्स बना लूंगा। तो मैंने क्राफ्टिंग टूल बना ली है एंड अब मैंने एक वुड की पिकैक्स भी बना ली है। तो मैं स्टोन तोड़ लेता हूँ जितने मेरे को लगेंगे पूरे टूल्स बनाने में। तो स्टोन मेरे को नहीं मिल रहे तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, डर्ट में जल्दी से मैं निकाल देता हूँ स्टोनों को। एंड देन मैंने इनफ स्टोन ले लिया जितने मेरे को लगेंगे। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक बना लेता हूँ अपने लिए टूल, तो जिससे मैं अपने पूरे स्टोन के टूल एंड शॉट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हार्ड मोड में है, तो ज़ॉम्बी वगैरह की पावर बहुत बढ़ चुकी है इसमें और इनका डैमेज भी बढ़ गया है। तो जल्दी से मैं इनके बना लेता हूँ एंड मैं इनको अरेंज भी कर लिया है मैंने रोडर से। एंड देख सकते हैं मैंने सर्वाइवल सीरीज शुरू करने ये ड्राउन पहले ही आ गया था, इनको पहले तो हम मार देते हैं, तो मार देते हैं सारी इनको कूद देते हैं। जल्दी से मैं इसे कूद देता हूँ पहले से, मैंने इसे मारा। एंड देन अब हम चलते हैं अपने वापस आपको, और मेरे को रिसोर्स इकट्ठे करने हैं क्योंकि मेरे को अपने लिए एक हाउस बनाना है इस वाले एपिसोड में, वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो हम पहले से थोड़ी सी वोट काट लेते हैं क्योंकि वोट और ब्रीफ ही लगेंगे मेरे हाउस को बनाने में। तो इस वाले ट्री से हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले इस वाले ट्री को काटना शुरू कर देते हैं। तो मैंने एक ट्री काट लिया एंड देन मैं इस वाले ट्री को काट लेता हूँ। एंड मैंने इस ट्री को काट लिया एंड मेरे को एक ड्राउनेट की साउंड आ रहा है एंड देख सकते हैं इस पर ट्राइडेंट भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक फैक्ट जिससे आप बहुत जल्दी ट्राइडेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है ड्राउनेट से पहले एक ट्राइडेंट उसे मार लेने देना है अपने किसी भी शॉट से या फिर हेड से भी। इतनी खुशी कर देना तो आपको 90% ट्रेडेंट मिलेगा, 90% आपको ट्रेडेंट दे देगा वो। देख रहे हो मैं कितना बड़ा प्रो हूँ, सर्वाइवल सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मैंने ट्रेडेंट ले लिया, इतना बड़ा कोई हो सकता है प्रो? क्योंकि मैं आज बहुत टाइम तक उन्होंने ट्रेडेंट ढूंढा लेकिन तब उन्हें मिला, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ही ले लिया। इसलिए आप भी मेरी सर्वाइवल सीरीज को पूरा पूरा देखो, तो मैं भी इतना प्रो बना दूंगा कि फर्स्ट टाइम में ट्रेडेंट तो मैं भी मिल जाया करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं जल्दी से वोट काट लेता हूँ। तो मेरे को वुड काट काटने नाइट हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्टैक एंड 40 वुड आ चुकी है, तो इतने में रात हो गई थी। और अब मैंने तो थोड़े से मैंने पिक वगैरह भी मार लिए थे क्योंकि मेरा हंगर बार कम था एंड अब मेरे को स्लीप नहीं मिली है। तो मैं जो सामने एक आईलैंड है उससे जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को स्लीप चाहिए, क्योंकि नाइट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास आर्मर वगैरह भी नहीं है। तो चलो फिर मैं उस आईलैंड पर चलता हूँ। तो उससे पहले मैं अपने लिए एक बोट बना लेता हूँ जिसमें बैठ कर मैं उधर जाऊँगा। तो ये मैंने बनाया शवल एंड ये मैंने बना लिया है बोट। तो अब मैं बोट को प्रेस करता हूँ वॉट में एंड देन हम चलते हैं उस तरफ। एंड देन मेरे को लग रहा है कि उस तरफ एक लावा पूल भी है, तो देखते हैं उधर पे क्या निकलता है। वो अपने बोट को ले लेते हैं एंड देन ले लिया मैंने अपने बोट एंड अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ एंड देखते हैं। यहाँ पर लावा पूल ही है, जैसा मेरे को लग रहा था कि यहाँ लावा पूल है तो यहाँ लावा पूल ही है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे क्योंकि हमें चाहिए सेफ। तो
इतना बड़ा प्रो झूठ बोल रहा है। मेरे को फर्स्ट डे प्लेजर आउटपुट भी मिल चुका है एंड देन मैंने उसी में से वुल भी ले ली अपने बेड बनाने के लिए, लेकिन मैं उस वुड को दोबारा से लेके वहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन अभी मैंने ले ली है उस टाइम के लिए एंड अभी मैं प्लेजर से पंगे नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी अच्छे मतलब टूल्स नहीं है जिससे मैं उन्हें मार सकूँ, वही मेरे को मार मार के बना देंगे। तो हम चलते हैं अपने इस यहाँ पे एक रंड पोर्टल भी है एंड प्लेयर आउटपुट मिल चुका है, इसमें हम रेड फार्म बनाएंगे तो उससे पहले हम रंड पोर्टल को लूट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, एक चेस्ट ढूंढनी है, तो चेस्ट कई लोगों ने ब्लॉक के नीचे दफना रखी होगी तो मेरे को पहले एक दो ब्लॉक हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से ब्लॉक को हटाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही है, यहाँ पे इन लोगों ने छुपा रखी है अपनी चेस्ट को, हम ढूंढते हैं हमें मिल जाएगी एंड देन हमें चेस्ट मिल चुकी है। तो ये इन लोगों ने यहाँ पे छुपा रखी थी माइनक्राफ्ट वालों ने, हमें मिले ना, लेकिन हम लोग तो अभी प्रो प्लेयर है, हमें मिल गई एंड देन अब हम इन्हें ले लेते हैं और अब हम चलते हैं। फिर कुछ तो नहीं किया एंड मैं प्लेजर से पंगा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि प्लेयर मेरे को मारेंगे एंड यहाँ पे मैंने पूरे अपने ड्रोन के टूल दोबारा बना लिए क्योंकि मेरी एक्स टूट गई थी एंड अब मैं यहाँ पे स्टोन माइन करने ही लगाता है एंड मेरे बहुत से स्टोन हो गए तो मैंने एक फर्नेस बना लिया एंड इसमें कोल में अपना जो अपना फूड है वो पकने के लिए रख दूंगा जिससे मैं अपना मतलब बना सकूँ जिससे मेरा हंगर बार फुल हो जाए। तो तब तक मैं दोबारा से स्टोन काटना छोड़ना शुरू करता हूँ एंड मेरे को बहुत देर हो चुकी है स्टोन तोड़ते हुए एंड अब देखते हैं हमारे फर्नेस भी फट चुका है तो मैं अपने फर्नेस को तोड़ लेता हूँ एंड अब मेरे को आयरन चाहिए क्योंकि आयरन से मैं एक बनाऊँगा जिसका नाम क्या है, मेरे को आयरन से एक बकेट बनानी है एंड फर्नेस को मैं उसे लावा से काट करके अपने स्टोन को स्मेल्ट करके ब्रिक बनाऊँगा एंड देन उससे फिर हम अपना हाउस बनाएंगे। उसके लिए मेरे को आयरन ढूंढना होगा तो मेरे को चलना होगा किसी केव में। तो चलो फिर मैं उससे पहले एक पिकैक्स बना लिया मैंने, अब मैं चलता हूँ एक केव में। मैंने एक पिकैक्स बना लिया एंड उसको लगा रख लिया है अपने इन्वेंटरी में एंड अब हम चलते हैं। तो मैं इन बुल को भी हटा देता हूँ, अब हम अपने फर्नेस एंड क्राफ्ट टूल को ले लेते हैं एंड फिर चलते हैं सीधा। तो ये मैंने टूल दिया है एंड अब हम चलते हैं सीधा माइन को एक अच्छी माइन ढूंढने के लिए। तो हमने माइन ढूंढ लिया एंड देन अब हम इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया था एंड देन मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे टॉर्च लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉर्च भी लगा ली है, लगाता हूँ तो मैंने टॉर्च बना भी ली थी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ क्योंकि मेरे को आयरन चाहिए, आयरन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मेरे को पोल मिला है तो मैं इस पोल को भी ले लेता हूँ। एंड देन मैंने एक पोल ले लिया है एंड अब मैं चलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब मेरे को थोड़ा और अंदर चलना है क्योंकि मेरे को आयरन ढूंढना है। तो यहाँ से मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा और अंदर चलता हूँ डिग डाउन। तो यहाँ पे मेरे को अभी भी आयरन नहीं दिखा है तो मेरे को आयरन चाहिए। तो हम देख सकते हैं हमें ज़ॉम्बी भाई साहब मिल चुके थे, उनकी थोड़ी कटाई कर देते हैं। इन्होंने भी मेरे पे ये हिट कर दिया एंड देख सकते हैं 2 हार्ट मेरे को डैमेज मिल गया। तो आयरन हम ले लेते हैं। फाइनली मेरे को आयरन मिल गया था लेकिन जस्ट मेरे को ज़ॉम्बी का आवाज़ आ रहा है इतना साउंड एंड देख सकते हैं ज़ॉम्बी भी आ चुका था। वो तो मैंने सही टाइम पे देख लिया, नहीं तो मेरे को किल कर ही देता एंड मेरे 2 हार्ट बचे थे क्योंकि उस पर आयरन भी सॉल्व थी। एंड अब हम चलते हैं इधर पे देखते हैं जो हमारे बचे हुए आयरन है उसे भी ले लेते हैं। तो मैं आयरन लेकर सीधा उसी टापू पर आ गया था जिस टापू से मैंने वुड काट रहा था एंड मैं लावा पुल वाले टापू पर गया था एंड मैं वहाँ से लावा भी ले आया हूँ। एंड अब हमें अपना सीधा हाउस बनाने के लिए की जगह चाहिए तो मैं उसी को फाइंड कर रहा था कि मैं कहाँ पे अपना हाउस को बनाऊँ। तो देख ही रहा था मैं कहाँ पे बनाऊँ जो मैं यहाँ पे आ गया है एंड मेरे को कोई भी जगह ढंग की समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बना लेता हूँ वाटर के बीच में, तो यहीं पे बना लेंगे एंड यहाँ पे अपना एक ब्रिज लगा देंगे जिससे हम ग्राउंड पर आ जा सकते हैं और जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डर्ट छोड़ना स्टार्ट कर दिया इससे पहले बीच में एक ट्री आ रहा था, मैंने सोचा कि पहले इसको हटाए थे तो तब तक ये गायब हो जाएगा, इसकी लीफ भी हट जाएगी। तो मैं
सीधा आपने सवाल से मेरे को डर छोड़ी थी। उससे पहले मैं देख रहा था कि एक दो वोल्ट तो पीस बचे नहीं है, नहीं तो ये लेप से वो टूटेगी नहीं अपने ऑटोमेटिक। तो अब मैं सीधा अपने डर छोड़ता हूँ। देन ये मैंने डर छोड़ दिया है, ये हमारा कुछ ऐसा हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड अब मैं जो डर्ट आई है ना उसको मैं यहाँ पे लगा के इसे एक हाइट में कर देता हूँ। एंड देन ये हो चुका है। एंड अब मेरे को कुछ देर वेट करना है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। ये मैंने लगा दिया है कुछ ऐसे, एंड ये भी मैंने लगा दिया। तो अब हमारा ये कुछ ऐसा बन चुका है, ये हो चुका है। अब मेरे को इसे थोड़ा एक्सटेंड करना होगा, जो मेरा ये आइलैंड है उससे पहले मैं यहाँ पे दो फर्नेस लगाए थे, एंड इसमें स्टोन रख देता हूँ स्मैश होने के लिए। ये मैंने रख दिए हैं। एंड देन मैं अब क्या करता हूँ ना, एक कैंप फायर भी है मेरे पास, तो मैं उसे भी लगा देता हूँ। एंड मेरे को एक और जो हमारा फर्नेस है उसके लिए भी लावा लेके आना है, तो मैं उसे भी लावा लेने के लिए जाता हूँ। तो जो मेरी बोट है उसे मैं ले लेता हूँ। एंड अब मैं चलता हूँ। तो ये मैंने इसमें रख दिया फूड कुक होने के लिए। एंड ये हो चुका है फोर फूड। एंड अब हम चलते हैं अपनी बोट को लेकर सीधा लावा लेने के लिए। तो चलो फिर पहले उससे पहले क्राफ्टिंग टेबल भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ये लगा दी क्राफ्टिंग टेबल। अब मेरे को चलना है सीधा लावा लेने के लिए। तो मैंने रखी बोट, मैं उसमें बैठ चुका हूँ। तो अब मैं लावा लेने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैं लावा ले आया हूँ। एंड देन मैं इस वाले फर्नेस में इसको डाल देता हूँ। तो मैं इसमें डाल दिया है, स्टोन बेस में डाल दिए हैं। तो अब मेरे को सीधा अपने हाउस का काम शुरू करना है। सबसे पहले मेरे को ये डर्ट है उसे थोड़ा लगा के अपने टॉप जो मेरा आइलैंड है उसे एक्सटेंड कर लेना है। आइलैंड तो नहीं है, पता ही नहीं क्या है, इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ पहले। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसे एक्सटेंड कर लिया, ये कुछ ऐसा हो गया है। एंड मेरे को टू डर्ट कम पड़ रही हैं, तो एक ही पड़ रही है लेकिन मैं दो ले लेता हूँ। मैंने एक टू डर्ट ले लिया, एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिए हैं। अब मेरे को एक सेंटर ब्लॉक फाइट करना है जिससे मैं अपना हाउस बना सकूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 11 ब्लॉक है। तो मेरे को एक ब्लॉक और एक्सटेंड करना पड़ेगा तभी हमारा मतलब इवन घर बन पाएगा, मतलब 12 ब्लॉक। अभी ये और है 11 नंबर का। तो मेरे को उसे एक साइड, मेरे को एक ब्लॉक आगे करना है एक साइड में। तो साइड नहीं, मैं उस साइड कर लेता हूँ, वो सही रहेगा। तो यहाँ पे माउंटेन भी है तो मेरे को दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ से डर वहीं पर लगा देता हूँ, यहाँ से मैंने निकाली है। देन फिर मैं चलता हूँ उस तरफ की तरफ। ये मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 हो चुके हैं। तो मेरे को ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ से ये हमारा गेट हो गया। एंड मैं देखता हूँ 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी 5 कैसे हो रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हैं। एंड 1, 2, 3, 4 हो गए। तो इस तरफ मेरे 4 भी ब्लॉक हो रहे हैं। तो देख सकते हो पहले तो मैं क्या होती है घास होती है इसे हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को एक ब्लॉक इस तरफ करना है, राइट साइड की तरफ इंक्रीज करना है, मतलब उसको गलत लग गया। तो ये हमारा सेंटर ब्लॉक। एंड उस तरफ मेरे को आइलैंड को अपने को एक्सटेंड कर देना है। तो मेरे पे थोड़ी सी डर्ट है एक दो ही, मैं इनको लगा के थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ अपने जो आइलैंड लगे। आपको पता नहीं क्या है ये, कमेंट में बताना क्या है ये। तो ये मैंने कर दिया है, अब मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो पहले तो मैं इसकी डर्ट हटा देता हूँ यहाँ की। एंड अब मेरे को 8x8 का रूम बनाना है। तो मैं उसे बनाता हूँ, उससे पहले मैं कुछ टॉर्च बना लेता हूँ ताकि क्योंकि मेरे उसमें अंधेरा रहेगा और उसमें मॉब स्पॉन हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे को टॉर्च बनानी है। तो मैंने ये टॉर्च बना लेता हूँ। एंड देन मैंने टॉर्च बना लिया। एंड मैं निकालता हूँ अपने पिकेक्स को सीधा, उससे पहले टॉर्च अपनी टॉर्च मैंने बाहर निकाल लिया। एंड अब मैं बनाता हूँ 8x8 का रूम। एंड देन आप देख सकते हैं मैंने 8x8 का रूम बना लिया। एंड अब मेरे को फ्लोरिंग करने के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक और डिग डाउन करना है, तो मैं उसे भी कर लेता हूँ। तो मैंने फ्लोरिंग के लिए भी कर लिया। एंड मैं स्लैब भी बना के ले आया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे स्लैब लगा देने हैं, तो मैं उन्हें भी जल्दी से लगा देता हूँ। मैंने स्लैब भी लगा दिया ना, हमारा कुछ ऐसा लग रहा है ना, मेरे को 2 ब्लॉक ऊपर से हटाने हैं जिससे एक मेरी रूफ डलेगी। एक मेरे को हाइट इंक्रीज करनी है, तो अब मैं इसकी रूफ डाल देता हूँ। एंड अब मेरा हाउस कैसा दिख रहा है, तो अब मेरे को क्या करना है मैं आपको बताया तो ये हमारा हाउस कैसा है। एंड अब मैं हाउस के लिए डोर बना लाता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ की डर्ट है इसे हटा के कर दिया मैंने। तो
अब देख सकते हैं मैंने पूरी डट हटा दिया है ना, मेरे को यहाँ पे वुड लगानी है। तो अब मैं देख लेता हूँ मेरे को पहले प्लैंक चाहिए, वो सॉरी ब्रिक बनानी है, मैंने ब्रिक बना लिए हैं। अब मेरे को ब्रिक लगानी है, उससे पहले मेरे को वुड लगानी है। तो वुड कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को करना है साइड में जो कॉर्नर्स होते हैं उन पर जाना है, एंड देन आपको मेरे को 3 वुड लगानी है। तो ये मैंने लिए 1 लगा देता हूँ 1, तो यहाँ पे एक लगा 2, यहाँ पे एक और लगाऊंगा 3, ये होती है। तो एक और मेरे को यहाँ पे लगानी है 1, 2 एंड 3। तो मेरे को ऐसे ही 4 साइड लगानी है, मैं लगा लेता हूँ। एंड देन 4 साइड लगाने के बाद जो बीच में साइड बची है उसमें मेरे को ब्रिक को लगा देना है। तो मैं पहले ब्रिक लगा देता हूँ, तो ये मैं ब्रिक लगा रहा हूँ। एंड देन ब्रिक लगाने के बाद यहाँ पे वुड लगा देनी है कुछ ऐसे जैसे आप देख रहे हैं। एंड बीच में अपना डोर लगा सकता हूँ। अब मेरे को अपने हाउस के लिए डोर भी बना के लाने हैं, तो मैं डोर बना लेता हूँ पहले। तो मेरा अपना हाउस कम्प्लीट हो चुका है। अब मेरे को ये डोर मैं डोर बना लेता हूँ। तो ये कहाँ गए, मेरे को पहले बनानी है प्लैंक, एंड देन मेरा बन चुका है डोर। तो अब मेरे को इन्हें लगा देना है अपने हाउस के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एंड अभी मेरा हाउस तैयार हो चुका है बनकर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये मेरे हाउस के बाहर से लुक आ रही है, तो मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ मेरे हाउस की डिज़ाइन है, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपको अच्छी लग रही है या नहीं, मेरे को तो अच्छी लग रही है। तो अब मैं आपको पहले अंदर से भी एक बार दिखाई देता हूँ, एंड देन आप देख सकते हैं ये है हमारा हाउस अंदर से। तो मैं अगले एपिसोड तक इसमें बहुत सारा सामान वगैरह रख दूँगा, तो जिससे ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा हाउस जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में बनाया। एंड देन तो इस वाली वीडियो के बस इतना ही है। तो इस वाली वीडियो में हमने अपने लिए एक हाउस बनाया सर्वाइवल, एंड देन हमको एक ट्रेडर भी मिल गया, एंड हमने प्लेजर आउटपुट को भी फाइंड कर लिया। तो हमने इसमें बहुत कुछ कर लिया। तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।